चाहत हो कर दरमियां, तो फासलों की कोई बात नहीं। फिर यूं लव हुआ, फिर यूं लव हुआ। ना 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 दामन में बेकरार सपने हैं। कितनी बिखरी हुई है खुशियां, कितने गम आसान था अब हुआ। क्या बात की है आपने? हर बात पे ये क्यों कहते हैं कि क्या बात की है आपने? देखो, तमाम भूत को जल्द शादी कर लेनी चाहिए। क्या बात है, लड़की देखने शुरू करो। मियां देखो, तुम फिर पटरी से उतर गए। अरे रजी। जी भाभी। ये तुमने हॉल वगैरह बुक करवाया ठीक से कि नहीं? भाभी आप बिल्कुल फिक्र ना करें, अली हार लेने जा रहा है। अच्छा, जैसे ही गाड़ी आ जाती है मैं जाके हॉल वगैरह का अरेंजमेंट देख लूंगा। मिसेज हयात ने कहा था मैं ठीक
8 बजे बारात लेकर आ जाऊंगी एंड आई नो हाउ पर्टिकुलर मिसेस हयात इज. मैं नहीं जाऊंगा लेने उसे. फजूल बातें मत करो. इस तरह मोहसिन वगैरह उसे नहीं भेजेंगे. तो ना भेजे. अल्लाह खैर करे, क्या हो गया इसे? सर बहुत तेज बुखार चढ़ गया. बात सुनो, घर का ख्याल रखना. और देखो मुसीन का फोन आया तो उसको बता देना कि हम अस्पताल गए हैं. फोन आया था, शेजर की तबीयत बहुत खराब है, मैं वहीं जा रही. मामा मैं भी आपके साथ चलता हूँ. जो न सोचा था मैंने तुम्हारे लिए ऐसा ही क्यों हो गया. माशाल्लाह से इतने आराम से सो रहा है. इतने परेशान हुए, अल्लाह तेरा शुक्र है. मामा आप लोग नहीं चल रहे शादी में? भाई आप और मामा चले जाओ, मैं नहीं जाऊँ. नहीं या तो फिर तुम भी साथ चलो, वरना मामा आप यहीं रहिए, शहजर और शीमा अकेले होंगे. हेलो हेलो बोलते कि बोलो. मामा ये आयत का फोन था. शीमा अगर आयत का फोन आया और तुमने उससे बात की तो अच्छा नहीं. भाई हो सकता है वो शेजर की वजह से. शेजर का अगर उसे ख्याल होता तो ये हरकत कभी नहीं करता. उसने हमें समझ क्या रखा है? खिलौना? कम से कम मैं उसको ये समझने नहीं दूंगा. अम्मी अगर मुझे खाला का ख्याल नहीं होता तो मैं उसका शहर में जीना धूबर कर देता. अच्छा अच्छा तुम जाओ, खामखा टेंशन ले रहे हो. बेटे को लेने आया हूँ. मुझसे हम बात करने. आप कौन होते हैं बात करने वाले? तुम भाई? शीमा तुम यहाँ, अम्मा शीमा को यहाँ से लेकर जाए. चलो चलो मामा. अरे तुम और ये वजह से इसका दिमाग खराब हो गया. देखिए मोहसिन ये मामला ऐसा नहीं है कि ये मामला जैसा भी आप दफा हो जाए यहाँ से. मोहसिन मैं शराफत से बात कर रहा हूँ. वरना वरना क्या क्या करोगे तुम? बदमाशी करोगे? गुंडागर्दी करोगे? देखिए मोहसिन अब हम ना बात कर रहे हैं. घर का मामला घर में बैठ कर हमें हल नहीं करना. ये मामला तुम तलाक दे चुके हो, अब हमारा और तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं है. देखिए मोहसिन आप गुस्से में, आप प्लीज मुझे कुछ नहीं सुनना. तुम मुझे शहजर से मिलने से नहीं रोक सकते. मैं क्या कर सकता हूँ और क्या नहीं मैं तुम्हें करके दिखाऊंगा. ठीक है मैं भी तुम्हें अदालत तक लेके जाऊंगा. जाओ जहां जाना है तुमने. यार चलो. लेकिन ये बात याद रखो कि इस घर में दोबारा आने की कोशिश मत करना वरना मैं तुम्हारी टांग तोड़ दूंगा. जाओ यहां से.
बताओ क्या चाहती हो तुम, बताओ बोलो। मामा बात खत्म नहीं हो सकती। पागल हो गई हो तुम, सारे खानदान में बात फैल चुकी है, सारा जमाना हम पे थू थू कर रहा है और तुम बात खत्म करने की बात कर रही हो। इसी हर धर्मी से तुमने शादी की थी, हम कोई हैसियत नहीं रखते। मोहसिन की कितनी बेइज्जती हुई है इसका एहसास है तुम्हें, और मैं सारे खानदान से मुंह छुपाती फिर रही हूं। खानदान, हैसियत, बेइज्जती, मामा इसकी खातिर मैं तबाह हो जाऊं, शहजर का क्या कसूर है? नहीं, तुम हमें मुंह दिखाने के काबिल मत छोड़ना, और ये तुम्हारी तबाही में अब क्या कसर रह गई है? क्या चाहती हो तुम? जहर दे दो, हमें जहर दे दो, फिर जो तुम्हारा दिल चाहे तमाशा करते फिरना। हो गया उसका दम, क्या दे रहा है? मैं आप खाला को कह दे कि उसे काबू में रखे, वरना मैं उसका वो हश्र करूंगा कि वो याद करेगा। मुझे तुम क्या दे, मुझे सुन लिया तुमने? तुम्हारे भाई को तुम क्या दे रहे हो? फोन करें, मैं नहीं जा रहा आप कहीं पे भी। दिमाग खराब है तुम्हारा? हम बात करने गए थे, तुम बदतमीजी पे तो रहे। मैं ऐसा नहीं चाहता था, लेकिन तुमने उसे देखा था किस तरह बात कर रहा था। वो जिस तरह चाहे बात कर सकता है, उसकी पोजीशन ही ऐसी है। तुम तो खुद सोच के गए थे तुम सब कुछ बर्दाश्त करोगे, इतना बड़ा हंगामा खड़ा कर दिया, बात बनने की बजाय और बिगड़ गई। बस हो गया ना, अब अपनी जुबान को काबू में रखना सीखो, इसी जबान का फसाद है। दोस्त, कौन दोस्त? सॉरी जी, शायद रॉन्ग नंबर मिल गया है। चलें, कोई बात नहीं, हम भी आपके दुश्मन तो नहीं हैं। जी, लेकिन वो क्या बात है, कोई प्रॉब्लम है क्या? प्रॉब्लम तो बहुत बड़ा है। बताइए, शायद मैं आपकी हेल्प कर सकूं। सीरियसली? यस, वेरी सीरियसली। एक्चुअली मेरी एक दोस्त खो गई है। हमारी दोस्ती इंटरनेट पर हुई थी और मैंने कभी उसकी आवाज भी नहीं सुनी, और अब उसने मुझे ये नंबर दिया है। कल मैंने फोन किया था तो एक खातून ने उठाया, और आज आपने, समझ नहीं आता है उसे कैसे पहचानो। क्यों, आपको उनका नाम नहीं पता? यही तो प्रॉब्लम है। तो ये तो हाल हो गया। कैसे, क्या आपको पता है वो कौन है? जी दोस्त। ओ, यानी कि आप? जी,
कैसे हैं आप? भाई की शादी कैसी रही? देखिए प्लीज, कुछ पूछने से पहले अपना नाम जरूर बता दें, बहुत प्रॉब्लम हुई है। आपने अपना नाम तो बताया ही नहीं। और जी नहीं बताया? जी नहीं। आई एम सॉरी, आई एम समीर। और आप? समीर। आप जी ना? तुम्हारी भी यही हालत हो जाएगी। तो मुझे बिल्कुल भी नहीं सुनना, क्योंकि मुझे आमना की शादी एंजॉय करनी है। सुनो तो। नहीं यार, सब तैयार है, शाम हो गई, वी नॉट रेडी। तैयार हो जाएंगे, तुम्हें पता है लड़का कौन है? कौन है? कौन? वही इंटरनेट वाला जिसे हमने कल ईमेल भेजी थी। दोस्त कौन है? समीर। देखिए भाभी, ये तो बड़ा फर्ज पूरा हो गया ना। हाँ, आपकी तो बड़ी हिम्मत है, आपने बड़े भैया के भी सारे काम किए हैं, हैं? बच्चियों को पाला पोसा, पढ़ाया लिखाया, अच्छी तरबियत की, और आज माशाल्लाह आमना आपके घर की हो गई है ना। अरे आपा, आप परेशान क्यों होती हैं? हैं, माशाल्लाह देखें आपकी बेटी का तो घर बैठे रिश्ता आ गया, वरना तो बेटियाँ अपने माँ बाप के घर बैठे बैठे उम्र गुजार देती हैं। अरे बस भाभी बस, अगर एक के जाने पे ये हाल है तो दूसरी के जाने पे क्या बनेगा? आज अगर ये होते तो। हाँ भाभी, आज तो मुझे भी बड़े भैया की बहुत याद आ रही थी। अल्लाह बख्शे कहा करते थे कि अपनी बेटियों को अलग जगहों पे ब्याहूंगा, अल्लाह ने उनकी ख्वाहिश पूरी कर दी। बस अब हम इमाने की भी शादी बहुत अच्छी जगह करेंगे इंशाल्लाह। देखिए भाभी, अब आप रोना बंद कर दें वरना मुझे भी रोना आ जाएगा। अरे भाभी, मेरा तो बड़ा पुराना अरमान है ये मंजर देखने का। बिल्कुल बिल्कुल, तुम्हारे तो सारे अरमान ही ऐसे हैं। भाभी देखिए, अब आप अपना रोना जारी रखिए, आज इनके दिल के फफूले फूट लें। हेलो हेलो। अरे तुम लोग आ गए? आमना कैसे रहेगी अकेली? उसका दिल कब आएगा? हद करती हैं भाभी आप, अकेले नहीं है वो, उसका शौहर है उसके साथ। अब ये की ना आपने बहुत अच्छी बात। नहीं नहीं अम्मी, वो तो इतनी खुश थी, मैं आपको क्या बताऊं। सास ने कुछ कहा तो नहीं? नहीं नहीं आंटी, बल्कि वो तो रोक रही थी, मेरा मतलब इमाने को, लेकिन लेकिन मैं खुद ही नहीं रुकना चाह रही थी, अच्छा नहीं लगा था। चाय पीनी है तो इधर आ जाओ। मेरा चाय मैं भी पीऊंगी। बहुत खौफनाक औरत है, मुझे तो डर लगता है कि आप ही जैसी नाजुक मिजाज का क्या होगा। वो तो मुझे मालूम है, मैं समीर वाले मामले का पूछूं, क्या हुआ? उस मामले का क्या हुआ था? क्या मतलब? अब तो तुम दोनों को पता है तुम लोग कौन हो, कोई बात हुई? उसे थोड़ी पता मैं कौन हूँ, वो तो मुझे पता है कि वो है। मैं हूँ, वो है, क्या?
راز بتاؤں میرا. میں نے ایک فیصلہ کیا ہے. میں نے فیصلہ کیا کہ اس معاملے کو یہیں ختم ہو جانا چاہیے. میں اسے کبھی نہیں بتاؤں گی کہ میں کون ہوں. کیا مصیبت ہے, کس قسم کا نمبر ہے کہ ہر آدمی فون اٹھایا جاتا ہے. خیر آپ کی آواز تو اتنی دفعہ سنی ہے کہ مرنے کے بعد بھی اٹھا دیں تو پہچان لوں گا. اور آپ؟ میاں میں امن بول رہا ہوں. امن کون؟ آمنا کا ماموں. سوری ماموں. امن ماموں. او مائی گاڈ, او نو, یہ میں نے کیا کیا؟ یہ تو امن مامو کا نمبر تھا. یار یہ تو رضی انکل کا نمبر تھا. کون ہو سکتی ہے اسے؟ ایمانی یا ہیرا؟ میں پوچھتی ہوں تو وہاں گئے کیوں؟ ارے اس نے اسی طرح کی منمانیاں کر کے اپنے آپ کو برباد کیا. اگر مجھ سے کہا ہوتا نا, محسن کا کیا اس کو پتا نہیں ہے؟ آنٹی اصل میں ہم محسن سے کلے میں بات کرنا چاہتے تھے. محسن سے بات کرنا اتنا آسان ہوتا تو معاملہ یہاں تک پہنچتا. او ماما, ایک تو آپ ہر بات کو میرے لیے عذاب بنا دیتی ہیں. میں وہاں جھگڑا کرنے نہیں گیا تھا. میں پوچھتی ہوں ضرورت کیا تھی وہاں جانے کی؟ آنٹی اصل میں ایاز سے جو غلطی ہوئی تھی ہم اس کا ازالہ کرنا چاہتے تھے. ہم نے سوچا تھا کہ عورتیں جذباتی ہوتی ہیں. محسن مرد ہے, سمجھداری سے ہمارے مسئلے کو سن کے حل کرے گا. ارے وہ 100 عورتوں کے ایک مرد ہیں.
اور انہیں جب اپنی غلطی کا احساس ہوا تو پانی سر سے اونچا ہو چکا ہے, اور جب وقت تھا تو ناک پہ مکھی نہیں بیٹھنے دیتے تھے. ماجد, میں نے کہا تھا نا یہاں کسی سے بات کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے, یہاں کوئی کسی کی نہیں سنتا, سب اپنی کرتے ہیں, اپنی بولتے ہیں, اور ہماری بربادی میں بھی انہیں سب کا ہاتھ ہے. دیکھا دیکھا تم نے اسے, کیا دھارا سارا ان کا اپنا ہے اور الزام ہم پہ لگا کے چلے گئے. پلیز اس کی ہیلپ کریں, وہ بہت پریشان ہے. یہ سچ ہے کہ اس معاملے کو سلجھانے کی بجائے سب نے اپنی انا کا مسئلہ بنا لیا. تو بیٹا غلطی کس کی ہے, اس کی اپنی؟ اس نے معاملے کو اس نہج پہ پہنچایا کیوں تھا؟ آنٹی اب سوچیے اب کیا ہو سکتا ہے, ابھی وقت ہے, یہ وقت گزر گیا تو واقعی سب کچھ تباہ ہو جائے گا, اور میں نہیں سمجھتا کہ شیما بھی ایسی چاہتی ہوگی. ارے نہیں بیٹا, وہ تو اس سے بہت محبت کرتی ہے, بہت پیار کرتی ہے, لیکن پاپا اور محسن. میں ایک اور کوشش کرتی ہوں, لیکن اس سے کہہ دینا آگے ایک لفظ اس کے منہ سے نہ نکلے, سمجھ گئے؟ آنٹی میں سے سمجھا دوں گا. یہ پھپھو پتہ نہیں کس شادی میں مصروف ہے, ایک وہی تو ہے جو میری اس معاملے میں مدد کر سکتی ہیں. بڑی مشکل سے ہے. دیر ہو گئی, تم لوگ ابھی تک تیار نہیں ہوئے, نیچے انتظار ہو رہا ہوگا. کیا مذاق ہے یہ؟ سنے ہم ناشتہ یہی نہیں کر سکتے؟ ایسا کبھی سوچنا بھی مت. ویسے بھیا آپ ایسا کریں کہ بھابھی کو لمبے عرصے کے لیے کہیں لے جائیے اور انہیں گھر کے حالات تفصیل سے سمجھائیے, پھر شاید ان کی زندگی سکون سے گزر سکے. ورنہ شرجیل بھائی, ویسے آپ ہنی مون پر کہاں جا رہے ہیں؟ جہاں یہ کہیں. کیوں بھابھی, کہاں جانے کا ارادہ ہے؟ تمبکتو. کیا بات ہے شرجیل, کیا آج سے اس گھر میں ناشتے کا رواج ختم ہو گیا؟